दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को लॉन्ग राइड्स के लिए मनाएं और कैसे उनसे परमिशन लें। दोस्तों, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली हम लोग को लॉन्ग राइड में जाने के लिए मना क्यों करती है। दोस्तों, वो मना इसलिए करते हैं क्योंकि वो सब हमसे प्यार करते हैं, हमको सुरक्षित देखना चाहते हैं, हमारी सेफ्टी की चिंता करते हैं वो, और वो चाहते हैं कि हम हर कदम पे सुरक्षित रहें, और इसलिए वो चाहते हैं कि हम लॉन्ग राइड्स पे ना जाएं। उनकी नज़र में ये काफ़ी रिस्की होता है, और ये वास्तव में रिस्की होता है। दोस्तों, लॉन्ग राइड करना मोटरसाइकिल पे, सबसे पहली बात तो मोटरसाइकिल एक बहुत ही डेंजरस व्हीकल है, और उस पर लॉन्ग राइड करना और ज़्यादा रिस्की हो जाता है। आज आप इंडियन रोड कंडीशंस को देखिए, इंडियन जो ड्राइवर्स हैं उनको देखिए, तो इसलिए वो लोग मना करते हैं क्योंकि वो हमारी सेफ्टी चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद सबसे पहले जो सेफ्टी गियर्स होते हैं, हेलमेट, राइडिंग जैकेट, ग्लव्स, बूट्स, नी गार्ड्स, एल्बो गार्ड्स, ये सब परचेस करें और इनका यूज़ करें। जब आप अपने पेरेंट्स की नज़र में, फैमिली के नज़र में आप इन सारे सेफ्टी गियर्स का यूज़ करेंगे, तो उन्हें ये एहसास होगा कि आप वास्तव में अपनी सेफ्टी को लेके कितने चिंतित हैं, कितने सीरियस हैं। और सबसे पहले शॉर्ट राइड्स में जाएं, 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर की राइड में जाएं। और जब भी आप बाहर राइड में जाते हैं, जहाँ भी आप ब्रेक लेते हैं, वहाँ से अपने फैमिली को इन्फॉर्म करिए, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि अभी मैं इस जगह पे हूँ, अब नाश्ता कर लिया, अभी हम लोग सुरक्षित आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी फैमिली को हर कदम पे इन्फॉर्म करें, आप अपना लोकेशन अपडेट देते रहें उनको, उनको एक शांति मिलेगी, एक राहत मिलेगी कि आप सुरक्षित हो। जब आप शॉर्ट राइड कर रहे हैं तो कभी अपने फैमिली मेम्बर को या फिर अपने पेरेंट को अपने साथ में लेके जाइए, और उनको बताइए कि आप कैसा राइड कर रहे हैं, आप कैसे जिम्मेदारी पूर्वक अपनी गाड़ी चला रहे हैं, आप कितना सेफ राइड करते हैं। और उनको सिर्फ दिखाना नहीं है, उनसे झूठ नहीं बोलना है, आपको वास्तव में एक जिम्मेदार राइडर बनना है। लॉन्ग राइड्स करना एक एक्सपीरियंस राइडर का काम होता है दोस्तों, और एक्सपीरियंस राइडर वो होता है जो कभी हड़बड़ी नहीं करता, जो हमेशा ट्रैफिक कंडीशंस को देखता है और उसके अकॉर्डिंग अपना स्पीड, अपना जजमेंट डिसाइड करता है दोस्तों। और कभी रेस ना करें, कभी किसी से आगे बढ़ने के लिए अपनी लिमिट्स को पुश ना करें, और इस तरह से आप एक सेफली ड्राइव करें। धीरे धीरे आपके पेरेंट्स को ये विश्वास होने लगेगा कि आप एक रिस्पॉन्सिबल राइडर हो, आप अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हो। उनसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ें, और 100 किलोमीटर के बाद 200 किलोमीटर राइड का परमिशन लें, और उनको लोकेशन अपडेट देते रहें। दोस्तों, अभी काफ़ी सारे मोबाइल पे एप्लीकेशंस आते हैं, जिससे आप जो एप्लीकेशन आप एक अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर दीजिए और एक अपने पेरेंट के या फिर फैमिली मेम्बर के मोबाइल पे इंस्टॉल कर दीजिए, और इससे भी उनको काफ़ी मदद मिलेगी। अपना जो पैनिक लेवल होता है वो उनका, पेरेंट्स का, फैमिली का डाउन होगा, क्योंकि वो आपको देख पाएंगे कि आप कहाँ हो और आप किस जगह से जा रहे हो और आप सेफ हो करके। इस तरह से दोस्तों, आपको अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को विश्वास में लेना होगा, विश्वास दिलाना होगा कि आप वास्तव में रिस्पॉन्सिबल राइडर हो। आपको रिस्पॉन्सिबल राइडर बनना पड़ेगा दोस्तों। आप अपने फैमिली के साथ में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक ये दिखा सकते हैं, मतलब ये झूठ दिखा सकते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल राइडर हो, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब मायने रखती है जब आपको कोई देख नहीं रहा है, जब आप अकेले राइड कर रहे हो, जब आपके पास फ्रीडम है कि आप स्पीड अप कर सकते हो, आप रैश ड्राइविंग कर सकते हो। अगर उस वक्त आपको अपने आप पे कंट्रोल है, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल है, तभी आप एक रिस्पॉन्सिबल राइडर माने जाओगे। और जब आप ये बन जाओगे, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, जब आपको कोई नहीं देख रहा है उस समय भी आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में राइड कर सकते हो, तब धीरे 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 ऐसा एक स्टेज आएगा जब आपकी फैमिली आपको लॉन्ग राइड्स के लिए भी परमिशन देगी, और जब आपको आपकी फैमिली शायद लेह लद्दाख के लिए भी परमिशन दे देगी।
आप अपने आप को उन अमेच्योर राइडर से अलग करें जो बिना हेलमेट के 80-90 की स्पीड में सड़कों पे जिगजैग करते रहते हैं, कट मारते रहते हैं। आप वो नहीं हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल राइडर हो। आपको अपनी सुरक्षा की चिंता है, आपको अदर रोड यूजर्स की चिंता है, और आपको अपनी फैमिली की भी चिंता है, और आप पे आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर अभी नहीं है तो भविष्य में होने वाली है। आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हो, और जब आप इन सारी चीज़ों को समझ जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब ऊपर वाला भी आपका साथ देगा, और धीरे 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 आपकी फैमिली का भी आपके ऊपर पूरा विश्वास बनेगा, और वो आपको लॉन्ग राइड्स के लिए परमिशन देंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जब भी राइड्स में जाएँ तो अपनी फैमिली की परमिशन लेके जाएं। उनसे झूठ ना बोलें कि मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ, 3 घंटे में आ रहा हूँ, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, और उनसे झूठ बोलकर किसी भी राइड में ना जाएं। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप झूठ बोल के जाएंगे तो आपको वापस आने की हड़बड़ी रहेगी, और आप जानते हैं कि हड़बड़ी में ही गड़बड़ी हो जाती है। तो जब भी आप परमिशन लें कि मैं लॉन्ग राइड पर जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे 2-3 घंटे लगेंगे, आप उनको एक्स्ट्रा बताइए कि हो सकता है मुझे 5 घंटे लगे, मैं आराम से जाऊंगा, धीरे से जाऊंगा और धीरे से आऊंगा। और आप उनसे परमिशन ज़रूर लेके जाएं, और अगर वो परमिशन फ़िलहाल नहीं देते हैं तो धीरे 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 एक स्टेज आएगा जब वो आपको पहचान जाएंगे, जान जाएंगे कि ये वास्तव में रिस्पॉन्सिबल राइडर है, और फिर वो आपको परमिशन देंगे। कभी अपनी मोटरसाइकिल राइडिंग के समय स्टंट न करें, किसी के साथ रेस न करें, आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, सेफ्टी के साथ में आप अपनी बाइक राइड करें। दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आप लोगों के पास में कुछ टिप्स हो जिसके माध्यम से आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया हो, अपने फैमिली से परमिशन ली हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।